कही अनकही बातें शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। क्या आप जानते हैं कि महाबली हनुमान और शनि देव के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था? आइए जानते हैं ये युद्ध क्यों हुआ था। प्राचीन मान्यता है कि शनि देव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार को शनि देव पर तेल चढ़ाना चाहिए, लेकिन शनि देव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है, इसको लेकर हमारे ग्रंथों में अनेक कथाएं हैं। इनमें से सबसे प्रचलित कथा का संबंध रामायण काल और हनुमान जी से है। तो आइए जानते हैं उस कथा को। शास्त्रों के अनुसार रामायण काल में एक समय शनि देव को अपने बल और पराक्रम पर काफी घमंड हो गया था। उस काल में हनुमान जी के बल और पराक्रम के चर्चे चारों दिशाओं में फैले हुए थे। जब शनि देव को हनुमान जी के बारे में पता चला तो वह बजरंगबली से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। एक शांत स्थान पर हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम की भक्ति में लीन थे। तभी वहां शनि देव आ गए और उन्होंने बजरंगबली को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध की ललकार सुनकर हनुमान जी ने शनि देव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन शनि देव नहीं माने और हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारते रहे। फिर हनुमान जी ने युद्ध के लिए हाँ कह दी। फिर दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। हनुमान जी ने शनि देव को बुरी तरह हरा दिया। युद्ध में हनुमान जी के द्वारा किए गए प्रहारों से शनि देव के पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी। इस पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी ने शनि देव को तेल दिया। इस तेल को लगाते ही शनि देव की समस्त पीड़ा दूर हो गई। तभी से शनि देव को तेल अर्पित करने की परंपरा आरंभ हो गई। तो ये थी शनि देव और हनुमान जी के युद्ध की कहानी। ऐसी और कई अनकही बातें जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ कही अनकही बातें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।